बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। और यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर वालों के लिए आई है महकमा मौसमियात की जानिब से एक बहुत ही खुशगवार और अच्छी सी खबर। इस वीडियो में आपको बताएंगे महकमा मौसमियात ने लाहौर के वेदर के हवाले से क्या बताया है और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में होने वाले शहरों के हवाले से क्या बताई है महकमा मौसमियात की जानिब से, इस ऐलान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को आपसे गुजारिश करेंगे सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलिए। खवातीन हजरात, लाहौर के मौसम के हवाले से ये बताया गया है कि खास तौर पर सुबह पंजाब के शहर लाहौर में आज बारिश देखी जाएगी और आइंदा 24 घंटों में शदीद बारिश का इम्कान है। इसी के साथ साथ तेज हवाएं भी चलेंगी और मौसम में मुकम्मल तौर पर दर्जा हरारत कम होकर तकरीबन 32 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। इसी के साथ साथ कराची के शहर के हवाले से कहा गया है कि वहां पर मौसम गर्म ही रहेगा, ताहम खुश्की के बाईस हवा में नमी का दबाव होने के साथ साथ वहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी भी देखी जाएगी। लेकिन यह कहा जा रहा है कि खासतौर पर पंजाब के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में मौसम बहुत ही ज़्यादा खुश्क रहेगा। कराची के अंदर गर्मी का शिद्दत बढ़ जाएगी और सुबह सिंध के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि सुबह बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पर कहा गया है कि गर्मी और खुश्की के साथ साथ कुछ मुकामात पर बारिश का इम्कान है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के इलाकों में बारिश के साथ साथ वहाँ पर हवा में नमी का दबाव भी कम होगा और इसी के साथ साथ तेज़ हवाओं के चलने का वाज़ेह इम्कान है। ये थी दोस्तों अब तक की लेटेस्ट अपडेट। मज़ीद खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।